नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज की इस बड़ी खबर में बात करने वाले हैं यहाँ पर सियासी गरमाया हुआ मुद्दा यानी कि हनुमान चालीसा अजान विवाद को लेकर जो महाराष्ट्र में चल रहा है, जिसके चलते नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा जेल में है। जो निर्दलीय सांसद है नवनीत राणा, उनको लेकर कई तरह के खुलासे अब होते नजर आ रहे हैं। जहां पर उनकी रिहाई को लेकर बुरी खबर बीते कल आई थी कि उनका जो रिहाई का वक्त है वो खारिज कर दिया गया और 29 अप्रैल तक टाल दिया गया है। अब लग रहा है कि 29 अप्रैल को भी उन दोनों दंपत्ति को रिहाई नहीं मिलने वाली है। जी हाँ, इसकी कड़ी वजह है संजय राउत। संजय राउत ने हाल फिलहाल में आरोप लगाया है 80 लाख के लेन देन का नवनीत राणा पर। वो भी यहाँ पर डी गैंग से संबंध बता रहे हैं नवनीत राणा का। तमाम ऐसे खुलासे नवनीत राणा को लेकर करते नजर आ रहे हैं यहाँ पर संजय राउत। तो इसी बीच यहाँ पर दाऊद के साथ भी कनेक्शन बिठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं नवनीत राणा पर। ऐसे तमाम आरोप लगा रहे हैं जिसकी वजह से लग रहा है कि नवनीत राणा की रिहाई में अब अड़चन खड़ी हो सकती है और 29 अप्रैल को भी उनकी जमानत अब मिलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। वहीं पर उनकी मुश्किलें जेल के अंदर भी बढ़ती नजर आ रही हैं। तो आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।